हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी एन सर देखिए फ्रेंड्स इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डिस्कस किया था आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर टू मैट्रासेस इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले 2021 के एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के पेपर में रहेंगे तो अच्छी तरह से हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो 80 मार्क्स का पेपर है ये थेटिकल पेपर प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल ऐसा मिला के हंड्रेड मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स है तो ये ट्वेंटी मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है हमें स्टेट बोर्ड का जो प्रैक्टिकल बुक दिया गया है उसमें सभी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन इसके भी वीडियो लेक्चर्स हमने बहुत ही वीडियो लेक्चर्स हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं उन वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एच एस सी मैथ्स प्रैक्टिकल ये उस प्ले का नाम है जितने भी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन सभी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स के सोल्यूशंस आपको वहाँ मिलेंगे आज जो हम से चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये चैप्टर आपको आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में सिक्स मार्क्स के लिए रहेगा इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक जो देखा था वो एट मार्क्स के लिए था ये सिक्स मार्क्स के लिए है और इस साल 2021 के एग्जाम में रिडक्शन मेथड इस चैप्टर से डिलीट किया गया है तो रिडक्शन मेथड के प्रॉब्लम आपको इस साल के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं ठीक है देखिए मैट्रास चैप्टर में दिसंबर 2020 में है तो सिक्स मार्क्स का लेकिन यहां पे टू मार्क्स का ही क्वेश्चन दिख रहा है जो फोर मार्क्स का रिडक्शन मेथड का था क्वेश्चन वो क्वेश्चन हमने यहां पे नहीं लिखा है बिकॉज रिडक्शन मेथड इस साल के लिए डिलीट किया गया है लुक यार यहां पे हमें को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में जो फोर एलिमेंट्स है इनके को फैक्टर्स फाइन करने के लिए कहा गया है हम एलिमेंट्स

अब देखिए फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर फॉर द मैट्रिक्स अब ये दोनों क्वेश्चंस वैसे तो सेम है लेकिन डिफरेंस कहा है देखिए यहां पे सिर्फ आपको एलिमेंट्स के को फैक्टर फाइंड करने थे यहां पे हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है को फैक्टर का मतलब जो को फैक्टर हमने फाइंड किए उसका हमें मैट्रिक्स यहां पे लिखना है ये दोनों में डिफरेंस रहेगा ठीक है फिर इसके बाद जुलाई 2019 में ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर वन टू मार्क्स का फोर मार्क्स के लिए पूछा गया है अब वहां का जो पेपर पैटर्न था वहां पे इंटरनल ऑप्शन रहता था इंटरनल चॉइस रहती थी उस जुलाई 2019 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न में तो यहाँ पे दो क्वेश्चन थे मैट्रासेस के ऊपर फोर मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन के लिए यह क्वेश्चन हमें और दिया था ठीक है तो ये यहां पे क्वेश्चन नंबर वन था फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स

दोनों भी क्वेश्चन के सोल्यूशन बहुत ईजी है ठीक है अब मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन में हमें यहां पे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है इफ थ्री नंबर एक्स वाई जेड अगर कंसिडर करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू टू रहेगा इफ टू टाइम्स द सेकंड नंबर इज सबस्ट्रेक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर फर्स्ट और थर्ड नंबर का सेम एक्स प्लस जेड टू टाइम्स सेकेंड नंबर माइनस टू वाईक्वल्स टू एट रहेगा इफ थ्री टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर प्लस वाई प्लस जेड वी गेट फोर इक्वल टू फोर फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रासेस ठीक है तो इनके आपको थ्री इक्वेशन लिखने हैं इन इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और यहां पे आप यूज कर सकते हो इन्वर्जन मेथड इन्वर्जन मेथड मतलब वहां पे इन्वर्स फाइन करके क्योंकि रिडक्शन मेथड से वैसे तो हम इन्वर्जन और रिडक्शन इन दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन रिडक्शन मेथड इस साल के लिए हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है तो इसे हम इनवर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं भी रह सकता है जहां पर एम्बिगिटी है यह क्वेश्चन आपको इस साल कैसे दिया जाएगा फाइंड द नंबर्स अगर यह क्वेश्चन रहता है फाइंड द नंबर्स यूजिंग इस प्रकार का नहीं रहेगा लेकिन क्या रहेगा फाइन द नंबर यूजिंग मैट्राइस या फिर फाइंड द नंबर मेथड ऐसा रहेगा क्लियर कट इस प्रकार से नहीं रहेगा फाइंड द नंबर्स यूजिंग में दो मेथड आते हैं रिडक्शन मेथड इस साल नहीं है तो ये रहेगा फाइंड द नंबर्स यूजिंग इन्वर्जन मेथड इस प्रकार से क्वेश्चन आपको रह सकता है ठीक है जुलाई 2018 में यहां पे पूछा गया था फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए

देखिए ऑर्डर टू बाई टू के मैट्रिक्स का जब हम एडज्वाइन फाइन करते हैं बहुत ही सिंपल है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है क्या करना है देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं इस प्रकार का इसका एडज्वाइन रहेगा डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया है ये टू की जगह वन लिखा है वन की जगह टू लिखा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए हैं तो देखिए यहां पे इस प्रकार का आंसर ऑप्शन ए रहेगा वन थ्री माइनस फोर टू तो इसका आंसर इसका एडज्वाइंट ये रहेगा इसका एड हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करना है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फोर मार्क्स के लिए फोर प्लस टू सिक्स मार्क्स के लिए मार्च टू थाउजेंड एटीन में इस प्रकार के क्वेश्चन थे मैट्राइज चैप्टर के ठीक है जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन में हमें क्वेश्चन नंबर वन ये भी एम सी क्यू पूछा गया है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स अब देखिए इनवर्स फाइंड करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए इन टू ऑफ ए Upon, इसका ये रहेगा साथ में लिखना है मैंने अभी आपको बताया टू के का किस प्रकार से फाइंड करना है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं तो इस प्रकार का आंसर कौन सा रहेगा देखिए वन वन बाई फाइव थ्री वन माइनस टू वन तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा या फिर आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो ये जो मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से हर एक ऑप्शन के जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे अब तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर वन आना चाहिए बाहर बह, बाहर जो वन बाय फाइव है इससे मल्टीप्लाई किए बात ठीक है ना और सेकंड रो से इस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर हमें वन मिलेगा तो वो ऑप्शन हमारा यहां पे आंसर रह सकता है लेकिन यहां पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है सिर्फ ये फॉर्मूला जो है एट ऑफ टॉफिक इस प्रकार से फाइंड करना है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करना है बाहर वन अपॉइंट फाइव मतलब ठीक है तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा क्वेश्चन नंबर टू में हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए कही गई है ए a एट एक्वल टू डिटर्मिनट ऑफ एफ ए फाइंड करना पड़ेगा ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा उसे हम फर्स्ट कहेंगे डिटर्मिनंट ऑफ ए भी आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई या फिर ये जो आंसर आएगा इस आंसर से ये आंसर आपको किस प्रकार से मिलेगा देखिए डायगोनल एलिमेंट आपको नॉन जीरो नंबर्स मिलेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से भी आपको जीरो मिलेंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म स्केलर मैट्रिक्स का फॉर्मेट रहेगा तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम बाहर ले सकते ये की वैल्यू रहेगी मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन में हमें इनवर्स यही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, यहां पे करना है जैसे ये दो क्वेश्चंस रिपीट हुए अब ये दो क्वेश्चंस रिपीट मतलब फॉर्मेट रिपीट हुआ है फॉर्मेट सिर्फ नंबर यहां पे चेंज हुए तो क्या करना है हमें इसका डिटर्मिनेट लेना है अब जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस वन इंटू टू माइनस टू माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन माइनस टू प्लस फिफ्टीन थर्टीन तो ये रहेगा वन अपॉन थर्टीन अब आपको क्या करना है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है मतलब ये रहेगा टू माइनस वन नॉन के साइन चेंज करने थ्री माइनस फाइव ओके तो इस प्रकार का आंसर कौन सा रहेगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा देखिए स्टूडेंट्स हम ये सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करके देखने ही है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे देखिए हम टोटल एट इयर्स के क्वेश्चन पेपर यहां पे डिस्कस कर रहे 2013 से लेके 2020 तक हम रिवर्स जा रहे पहले 2020 फिर 2019 फिर उसके बाद 2018 उसके बाद 2017 तो ये जो आठ साल के 16 क्वेश्चन पेपर से इनमें से से चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं मैंने आपको पहले भी कहा है इसके, इसके लिए स्पेशल नोटबुक करना है इसके पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर लिया था मैथमेटिकल लॉजिक का तो उस मैथमेटिकल लॉजिक में जो भी क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे दिए थे उन सभी क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन आपको नोटबुक में लिखना है फिर इसके बाद चैप्टर नंबर टू मैट्रासेस उसी नोटबुक में लिखना है जितने भी 2020 से लेकर 2013 तक जितने भी क्वेश्चंस मैट्रासेस चैप्टर में सिक्सटीन क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को आपको उस नोटबुक में लिखना है विथ सोल्यूशन और आपको इन्हीं क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है 2021 के एग्जाम के लिए तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन क्वेश्चन पे अच्छी तरह से फोकस कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सभी बहुत इजी क्वेश्चंस है पेपर फॉर्मेट आपके सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इनवर्स बाय एडज्वाइंट मेथड या फिर इन्वर्जन मेथड तो इन प्रकार के क्वेश्चंस जो भी इस एग्जाम में आए होगा क्या 2021 के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन सिर्फ वहां पे फॉर्मेट मतलब नंबर चेंज हो गए फॉर्मेट वही रहेगा जैसे यहां पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहां पे भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेट वही है सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं समझ रहे ना आप यहां पर भी देखिए एडवेंट पूछा गया है बहुत ही सिंपल है और यहां पर जैसे प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी थी यहां पर दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में है सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन हम देखेंगे जुलाई 2016 में हमें मैट्रिक्स ए दिया था और फाइंड करना था ए इन्वर्स बाय एडजोइंट मेथड बहुत ही इजी है फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट ऑफ ए ये फॉर्मूला है ओके okay? तो ए एनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू इंटू फाइव टेन थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन टेन माइनस माइनस नाइन टेन प्लस नाइन मतलब ये नाइनटीन रहेगा वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए अब एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से लेते हैं हम इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं एनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉइंट नाइनटीन फाइव थ्री माइनस थ्री टू ठीक है ना तो इस प्रकार से इसका इनवर्स रहेगा अब यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है द कॉस्ट ऑफ फोर डजन पेंसिल्स थ्री डजन पेंस एंड टू डजन इरेजर्स इज रुपीज सिक्सटी ओके तो हम क्या करते हैं सपोज वन डजन पेंसिल रुपीज यक्स द कॉस्ट ऑफ वन डजन पेंसिल्स इज रुपीज द कॉस्ट ऑफ वन डजन पेंस इज रुपीज वाई एंड द कॉस्ट ऑफ वन डजन इरेजर्स इज रुपीज जेड तो पहला इक्वेशन मिलेगा फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू सिक्स दूसरा इक्वेशन मिलेगा टू एक्स प्लस इन तीनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और वहां पे यूज करेंगे हम इन्वर्जन मेथड इन्वर्जन मेथड यूज करके उसे हम सॉल्व करेंगे ठीक है मार्च 2016 में हमें एबी इन फाइंड करना है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया है बहुत सिंपल है दोनों का प्रोडक्ट लेना है दोनों का प्रोडक्ट लिए बाद अब देखिए ये मैट्रिक्स है टू बाय थ्री का ये मैट्रिक्स है थ्री बाई टू का आने वाला मैट्रिक्स टू बाई टू का रहेगा तो इस प्रकार का मैट्रिक्स रहेगा मैंने आपको ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इन टू एड ऑफ ए फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन नंबर टू मार्च टू में यही आया था मैट्रासी चैप्टर पर तो यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है जो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि वही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं देखिए सिर्फ नंबर चेंज होते हैं फॉर्मेट वही रहता है वैसे तो यहां पे नंबर भी चेंज नहीं हुए सेम एज सेम कॉपी हुआ है क्वेश्चन यहां पे जो मार्च 2016 में आया था वही जुलाई 2016 में ठीक है ना पहले मार्च 2016 का एग्जाम हुआ फिर बाद में जुलाई टू का सिक्सटीन का तो यही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुआ है ओके अब अक्टूबर 2015 में a इनवर्स इक्वल्स टू वन बाई थ्री ये मैट्रिक्स दिया है डिटर्मिनंट ऑफ ए दिया है हमें ऑफ ए का वैल्यू पूछा गया है लुक बहुत सिंपल है हमें पता है ए ए ए ए ऑफ ऑफ इस प्रकार से इसे अगर हम कंसिडर करते हैं या फिर फॉर्मूला इनवर्स का ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए ये फॉर्मूला है हमारे पास ठीक है तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या रहेगा इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू क्या रहेगा या फिर यहां पे हम इसको एट ज्वाइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब ऑफ़ इक्वल्स क्या रहेगा? A A. चलेगा इक्वल्स टू वन डिटरमिनेंट ऑफ इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए इसका मतलब This value. Of A क्या है थ्री है इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया थ्री थ्री कैंसिल होगा तो ये मैट्रिक्स यहां पर दिया है तो थ्री थ्री कैंसिल होगा यह मैट्रिक्स बचेगा दैट इज एट ज्वाइंट ऑफ ए तो एट ज्वाइंट ऑफ ए का आंसर ये रहेगा ठीक है तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है देखिए बहुत कुछ ज्यादा समय इसे नहीं लगता है हमें बहुत कम समय में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अब यहां पे मैट्रिक्स ए दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू और ए रेस टू सिक्स का वैल्यू हमें पूछा गया है ठीक है अब देखिए ए का जो वैल्यू है ए इज लुकियर टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू इसका मतलब अगर टू हम बाहर लेते हैं तो ये बचेगा वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, जीरो वन नाउ दिस इज इक्वल्स टू टू आई ए का वैल्यू हमें टू आई मिला है तो ए रेस टू सिक्स क्या रहेगा ए रेस टू सिक्स इक्वल्स टू टू आई रेस टू सिक्स टू आई रेस टू सिक्स मतलब थर्टी टू सॉरी टू रेस टू टू रेस टू सिक्स इन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई रेस टू सिक्स टू रेस टू सिक्स इट विल बी सिक्सटी फोर है ना टू रेस्टू फाइव थर्टी टू रहेगा समझ रहे हैं ना आप टू इंटू टू इंटू टू फिर इसके बाद इंटू टू इंटू टू इंटू टू ये 8 रहेगा, 8 रहेगा, 8 into 8, 64. ठीक है तो ये रहेगा सिक्सटी फोर इन टू आई रेस टू सिक्स का वैल्यू तो हमें आई मिलेगा I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रहेगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ओके तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा लेकिन हमें जिस प्रकार से ऑप्शन दिए उस प्रकार से चूज करना पड़ेगा सपोज इस 64 की जगह हमने 32 लिखा ध्यान दीजिए 32 तो बचा कितना है 2 उस 2 से हमने अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू ओके टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू ये है मैट्रिक्स ए थर्टी टू ए देखिए ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू है तो ए रेस टू सिक्स का आंसर हमें क्या मिलेगा थर्टी टू

फोर टाइम्स थर्ड नंबर इज फ्रॉम टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेड इक्वल्स टू कितना है थ्री तो इस प्रकार के तीन इक्वेशन हमें मिलेंगे उन तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड तो यहां पे हम यूज करते हैं इन्वर्जन मेथड ठीक है रिडक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रिडक्शन मेथड इस साल डिलीट हुआ है अब देखिए अक्टूबर 2014 में हमें इस मैट्रिक्स का यूनिवर्स पूछा गया है बहुत ही सिंपल है हम यूनिवर्स कैसे फाइंड करेंगे या तो आप यूनिवर्स हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं या फिर अगर हमें ऑप्शन यहां पर पता करना है तो हम क्या करेंगे सपोज ऑप्शन ए जो है इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम आंसर हमें वन मिलेगा सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमें वन मिलेगा थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमें वन मिलेगा तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा वैसे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नाइन एलिमेंट्स है नाइन एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट द आंसर वन 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 तो ये यहाँ का आंसर रहेगा ठीक है ना बहुत सिंपल सी मेथड है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को आंसर वन मिलना चाहिए सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना आंसर वन मिलना चाहिए थर्ड रो से थर्ड रो को थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना आंसर वन मिलना चाहिए तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन आंसर रह सकता है ठीक है ये ऑप्शन आंसर रहेगा अब इसके बाद देखिए मार्च टू में क्वेश्चन जो पूछा गया था मैट्रिक्स ए ए इंटू एट ऑफ ए इक्वल टू के है ओके ए इंटू एट ऑफ ए इक्वल टू के अगर ऐसा है तो हमें के का वैल्यू पूछा गया है ध्यान दीजिए वैसे हमें प्रॉपर्टी पता है ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लेकिन ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ एक्वल टू के आई दिया है देखिए ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या दिया है के आई

2020 से लेकेट 2014 तक के सभी क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है तो देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके 2021 के एग्जामिनेशन में रहेंगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है देखिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुँचे जो स्टूडेंट अब टू में क्लास ट्वेल्व का एग्जाम देने जा रहा है वैसे तो ये वीडियो टू टू के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि यही क्वेश्चन आप रिपीट होते जाएंगे तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास ट्वेल्थ में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी एन सर क्लास ट्वेल्थ उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम एम और डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हैंडल कर रहे हैं ठीक है तो टेलीग्राम तो कब कौन सा टेस्ट है इसका शेड्यूल भी आपको वहीं पर मिल जाएगा हम एम सी क्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एम एस टी सी एग्ज़ाम के लिए और डिस्क्रिप्टिव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं तो उन टेस्ट को ज़रूर आप अटेंड कीजिए एम सी क्यू टेस्ट हम फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स चारों भी सब्जेक्ट के ले रहे हैं तो मेरी आप सभी से, से रिक्वेस्ट रहेगी टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथ में

लेक्चर्स के उसका जो प्ले है उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे भी आप जरूर सर्च कीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बुक भी कंप्लीट करना है ठीक है तो देखिए वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए इस ये इस वीडियो ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के भेजिए और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपको इसमें कुछ दिक्कत लगती है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर भेजिए क्योंकि जो भी दिक्कत रहेगी जो भी समस्या रहेगी उसके ऊपर मैं हंड्रेड परसेंट उस समस्या को सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा तो मेरी आप सभी से, से रिक्वेस्ट रहेगी इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो